Welcome to my online class for junior KG. Today our new topic is conversation. Conversation क्या होता है? जैसे कि हम कहीं गए हैं हमारे relative यानी रिश्तेदार या फिर friends हमको मिलते हैं, तो हम normal conversation करते हैं यानी बातचीत करते हैं. तो वो मैं आपको सिखाऊंगी कि English में कोई आपको पूछे तो आपको उसका आंसर कैसे देना है. सपोज कि हम कहीं गए हैं, कोई ओकेशन है, ओकेशन यानी त्योहार है, तो किसी के घर गए हैं, तो सामने वाले ने आपको बोला हाय, तो आपको क्या बोलना है? हेलो. क्या बोलना है? हेलो. अब वही पर्सन अगर अननोन हो तो वो आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन करके रखे हैं. सो मैं ये एक एक करके क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी कि आपको आंसर कैसे देना है, और साथ साथ में इन सबका मीनिंग भी बताऊंगी. ओके, आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? तो आपको आंसर में क्या देना है? माय नेम इज, जो भी आपका नाम हो. सपोज यानी एग्जाम्पल फॉर, आपका नाम प्रिया मेहता है. क्या है? प्रिया मेहता. तो आप बोलोगे माय नेम इज प्रिया मेहता, मेरा नाम प्रिया मेहता है. ओके. सेकेंड, हाउ आर यू? हाउ आर यू यानी आप कैसे हो. सो आंसर में आप क्या बोलोगे ये मैं आपको बताती हूँ. आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद. मैंने थैंक यू क्यों लिखा? क्योंकि सामने वाला आपका आपके वेल्थनेस के बारे में पूछ रहा है, आपके तबीयत के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हमने उसका धन्यवाद किया है. थर्ड है, हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हो? सो आंसर में आप क्या बोलोगे? आई एम 4 years old, मैं 4 साल का हूँ या 4 साल की हूँ. फिर से, हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हो? आई एम 4 years old, मैं 4 साल का हूँ या 4 साल की हूँ. फोर नंबर, विच क्लास आर यू स्टडी इन? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सो आंसर में आप क्या बोलोगे? आई स्टडी इन जूनियर केजी. वंस अगेन, विच क्लास आर यू स्टडी इन? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सो आप आंसर में क्या बोलोगे? रिपीट, आई स्टडी इन जूनियर केजी, मैं जूनियर केजी में पढ़ता हूँ. अब यहाँ पे मैंने जूनियर केजी लिखा है क्योंकि हम जूनियर केजी का क्लास ले रहे हैं. तो जैसे जैसे आप ना क्लास बदलती जाएगी, जैसे कि आप अभी जूनियर में हो, नेक्स्ट ईयर सीनियर में आओगे, फिर फर्स्ट में आओगे, तो क्लास आपकी चेंज होती जाएगी, बट ये आगे का पोर्शन वही रहेगा. आई स्टडी इन जूनियर केजी, आई स्टडी इन सीनियर केजी, यानी आप जिस क्लास में पढ़ते हो वो क्लास आपको मेंशन करनी है. ओके, अंडरस्टैंड? फाइव नंबर, व्हाट इज योर स्कूल नेम? यानी आपके स्कूल का नाम क्या है? सो आप आंसर में क्या बोलोगे? माय स्कूल नेम इज लिटिल मास्टर पब्लिक स्कूल, मेरे स्कूल का नाम लिटिल मास्टर पब्लिक स्कूल है. अब यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ. सो ओके चिल्ड्रंस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कन्वर्सेशन के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे हैं. अब मैं आपको ये पढ़ के भी बताऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी कि आपको आंसर कैसे देना है.
okay? What is your father name? यानी आपके पापा का नाम क्या है? My father name is, जो भी आपके पापा का नाम है। तो मैंने आपको What is your name में प्रिया मेहता बोला था कि My name is प्रिया मेहता। तो इसी तरह सपोज कि आपके पापा का नाम राजीव है, so my father name is राजीव मेहता। Once again, my father name is राजीव मेहता। What is your mother name? अगर सपोज किसी ने आपके मम्मी का नाम पूछा, यानी आपकी मम्मी का नाम क्या है, तो आप आंसर क्या करोगे? My mother name is मोनिका मेहता। क्या? यानी ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप ऐसे इस तरह से बोल सकते हो। बाकी आपकी मम्मी का नाम जो भी है वो आप उसकी जगह पे बोल सकते हो। My mother name is मोनिका मेहता। Next, what is your brother और सिस्टर नेम? अगर आपका ब्रदर हो तो आपके ब्रदर का नाम बोलना है, अगर आपकी सिस्टर हो तो सिस्टर का नाम बोलना है। सपोज व्हाट इज योर ब्रदर और सिस्टर नेम, किसी ने पूछा, आप क्या बोलोगे? माय ब्रदर नेम इज आर्यन मेहता। यानी आपके ब्रदर का नाम जो भी हो आप बोल सकते हो। और ब्रदर अगर नहीं हो, सिस्टर हो, तो माय सिस्टर नेम इज मोनाली मेहता। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। फोर नंबर है, व्हाट इज योर टीचर नेम, आपकी टीचर का नाम क्या है? तो आप बोल सकते हो माय टीचर नेम इज मोनाली मैम। क्या? माय टीचर नेम इज मोनाली मैम। नेक्स्ट है फाइव नंबर, व्हाट इज योर प्रिंसिपल नेम, आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? तो माय प्रिंसिपल नेम इज मिस्टर दीपेंद्र सिंह चौहान। वंस अगेन, माय प्रिंसिपल नेम इज मिस्टर दीपेंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट सिक्स नंबर, वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हो? सो उसमें आप आंसर कर सकते हो आई लिव इन अहमदाबाद। वंस अगेन, आई लिव इन अहमदाबाद। सो ये थे आपके कन्वर्सेशन, जो मैंने आपको बताया कि आप किसी से मिलते हो, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या आंसर देने हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड माई क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आपको होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में मैंने जितने भी कन्वर्सेशन के क्वेश्चंस और आंसर आपको एक्सप्लेन किए हैं, उसे लर्न करना है और हो सके तो उसे अप्लाई भी करना है। यानी कहीं पे आप जाते हो तो ये आपको बोलना भी है। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।